हाय यू गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज प्रेशियस। कैसे हो आप सब? तो आज मैं लेके आई हूँ हॉल वीडियो, विच इज़ एक साइड पे मेरे पड़ा हुआ है बेबी का पैकेट, एक साइड पे पड़ा है मेरा अपना खुद का पैकेट। तो इसका पहले बेबी वाले का वीडियो बनाते हैं, इसके बाद मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि ये हॉल होगा। तो इफ़ यू इंटरेस्टेड इन वॉचिंग ममा एंड बेबी हॉल दोनों सेपरेट नॉट टुगेदर, वरना मैं बहुत सारा बोलती हूँ इसलिए मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन वॉचिंग बोथ ऑफ देम, तो मैं आपको पहले ही इस वीडियो में बता रही हूँ कि मैं दोनों के वीडियो बनाने वाली हूँ। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखने के बाद पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हाफ पे भी छोड़ दिए तब भी आपको पसंद आती है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई शॉपिंग करना किसी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैंने पैकेट जो मंगाया है ये सेंट्रल से है। तो अगर आपको लगता है कि आपके भी कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जो बेबी के कपड़े खरीदते हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो ताकि उनको पता लग जाए कि आजकल क्या स्टॉक आया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट टेकिंग आउट, जो भी हाथ में आता है मैं निकालती चली जाती हूँ, यहाँ रखती जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती चली जाऊँगी। सो बेसिकली सबसे पहला आया है पिंक एंड ब्लू के शॉर्ट्स। आई हैव अ सन जो कि 2 ईयर्स ओल्ड है, बट वो थोड़ा टॉल है, स्किनी है बट टॉल है। तो उसके लिए जो भी मैं टी शर्ट्स खरीदती हूँ वो 3 ईयर्स वाले खरीदती हूँ, क्योंकि बाकी टी शर्ट्स उसके लिए छोटे पड़ जाते हैं। और जो पैंट्स हैं वो मैं उसकी एज के हिसाब से खरीदती हूँ। प्लीज़ इग्नोर दिस वॉइस, ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है। तो जो शॉर्ट्स या जीन्स होती हैं वो मैं उसके एज के हिसाब से खरीदती हूँ। सो पिंक एंड ब्लू इज़ अ ब्रांड बच्चों का, सेंट्रल में अवेलेबल है और भी कहीं कहीं अवेलेबल होगा। तो फर्स्ट थिंग इज दिस शॉर्ट्स, आई रियली लाइक द मटेरियल बहुत ज़्यादा। दे आर कॉल्ड कैजुअल, दे आर कैजुअल शॉर्ट्स। आई डोंट नो इस पे चीनो शॉर्ट्स क्यों लिखा है। सो मटीरियल इज़ गुड, पतला मटीरियल है विच इज़ वेरी गुड समर्स के लिए। कई बार बच्चों के शॉर्ट्स आते हैं बट थोड़ा मोटा कपड़ा होता है विच इज़ नॉट वेरी गुड। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, और ये मुझे पड़ा है 499 का, 2 ईयर्स की एज का है ये। नेक्स्ट थिंग, मैंने सारे ये कैजुअल इसलिए लिए हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू दिल्ली एंड उसके लिए शॉपिंग थोड़ी सी हमने करी है। सो सेकेंड थिंग इज़ दिस टी शर्ट, ताकि जितना, बिकॉज बच्चे क्या है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक कपड़े गंदे करते रहते हैं, वैसे भी मुझे समर वेयर उसके लिए लेना ही था। सो दिस इज़ द सेकेंड वन। ये ओडाज या ओडाज ऐसे कुछ ब्रांड है जिसके मैं पहले भी कपड़े इसको पहना चुकी हूँ, इसकी टी शर्ट। तो गाइस सॉरी अगर आपको कोई भी वीडियो क्वालिटी में फ़र्क नज़र आए, तो एक्चुअली पहले मैं अपने आईफोन से फिल्म कर रही थी बट देन उसका पूरा बैटरी चला गया, तो बैटरी नहीं चला गया, उसका स्पेस चला गया। तो नाउ आई एम फिल्मिंग विद सैमसंग फ़ोन, तो आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है। एनीवेज नेक्स्ट, वो टी शर्ट मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो दिस इज़ द सेकेंड वन, और ये इस तरीके से लग रहा है। मटीरियल इज़ क्वाइट गुड, आई लव द मटीरियल, पहले भी मैं ब्रांड यूज़ कर चुकी हूँ। ये 399 की टी शर्ट है विच इज़ नॉट बैड, अगर आप बाहर से भी कहीं लेने जाओगे तब भी आपको नहीं मिलेगा, और ये ब्रांडेड है तो इट्स गुड। सेकेंड मैंने पिंक एंड ब्लू की एक शर्ट ली है, आई लाइक द प्रिंट, इज़ वेरी रेट्रो एंड बीची प्रिंट है, तो मुझे बड़ा पसंद आया। एंड शर्ट बहुत ही अच्छे मटेरियल की है, पतला एकदम, आजकल गर्मी में मोटे शर्ट्स बिल्कुल पहने नहीं जाते हैं, सो आई लव दिस ऑल्सो। ये मुझे पड़ा, ये भी 399 का पड़ा। तो देखो आप, बहुत ज़्यादा रेंज का भी नहीं है, बाहर से भी हम लेते हैं या ऑनलाइन हम लोग लेते हैं जब भी, तो हम सोचते हैं कि अरे ऑनलाइन महंगा होगा या शोरूम में महंगा होगा, ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है। 100-200 रुपये आप ऊपर नीचे देते हो और टोटल बिल पे, पर आपको बेटर चीज़ मिल जाती है। दिस इज़ अ जीन्स दैट आई हैव बॉट, आई टोल्ड यू कि मैं जीन्स और शॉर्ट्स उसके साइज का ही लेती हूँ, एंड आई लाइक कि मुझे ये सब फैशन मिल जाता है वहाँ पे, थोड़े से यू नो फैंसी टाइप कि 799 की जीन्स है। एंड कई बार सेंट्रल से जब शॉपिंग करते हैं तो आपको वाउचर्स भी देते हैं वो नेक्स्ट परचेज पे इतना इतना, लेकिन आप एक ही बारे में इतना परचेज कर लेते हो कि आपको लगता है कि आप ब्रांड है यार, तो वो वाउचर्स नॉर्मली मेरे वेस्ट हो जाते हैं। दिस इज द नेक्स्ट वन, और इसके ऊपर लिखा है आई डोंट माइंड एट ऑल। तो ये पड़ा, ये भी 3 ईयर्स वाला लिया मैंने जबकि मेरा बेटा अभी 2 साल का हुआ भी नहीं है, 399 का, बट ये स्टॉल तो ये इसको बराबर साइज का आता है, बच्चों के लिए आई डोंट माइंड एट ऑल सही भी रहता है बिकॉज उनके कभी कोई चीख पिंच करता है कभी कुछ करता है।
सो नेक्स्ट निकाल लेते हैं इसमें से. ओके सो द नेक्स्ट टी शर्ट इज दिस. आई लाइक फंकी टी शर्ट्स. सो दिस इज द नेक्स्ट वन एंड इट सेज आई एम नेवर बोर्ड. आई एम नेवर बोर्ड बिकॉज इस पे स्केट बोर्ड बना हुआ है. अगेन दिस इज आई थिंक फॉर द सेम प्राइस 399 के ही थे ये ऑर्डर. इसके तो सारे इतने के ही होंगे ऑलमोस्ट 399, 299, 499 ये रेट होता है. ये पिंक एंड ब्लू की शॉर्ट्स है. जैसे पिंक लिया था वैसे ही ग्रीन लिया. आई लाइक दीज कलर्स बेटर डार्क कलर से. डार्क कलर के शॉर्ट्स ऑलरेडी उसके पास हैं. ये मुझे पड़ी 499 की विच इज़ द सेम लाइक दैट एंड इट सेज चीनो शॉर्ट्स और चीनो शॉर्ट्स. ये पिंक एंड ब्लू की टी शर्ट है. दिस इज अगेन लाइक द बीची थिंग. ये भी पहनने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यू कैन वेयर दिस. इट सेज पैराडाइज रेडी फॉर समर पैराडाइज वेव. 299 की पड़ी मुझे ये. नेक्स्ट इज दिस ब्लैक. ब्लैक तो बनता ही बनता है. ऐसा कभी होता ही नहीं है कि कुछ खरीदो ब्लैक ना लो. दिस इज द सेकेंड टी शर्ट विच सेज लेजेंड एनी गेम एनी फील्ड. I like the sleeves as well. Otherwise, black t-shirt लो तो उसकी sleeves हमेशा plain होती है. सामने कुछ बना होता है. But I'm happy कि इसकी sleeves पे भी कुछ बना है. This is for 349. Again, एक और black है. I like this क्योंकि ये थोड़ा सा engrossed type का material के ऊपर ये बना हुआ है fabric. It says spinner और इसके ऊपर fidget spinner बना हुआ है. The world is upside down लिखा हुआ है इसके ऊपर. अगेन दिस इज फॉर वही होगी 399 या 349 यही रेट्स होते हैं. नेक्स्ट इज दिस. इसको गंजीज भी बोलते हैं कोई लोग. शैंडोज बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं. बट ये सामने से ये जो मटीरियल है ये मुझे अच्छा लगा बिकॉज इट्स दिस नेटी थिंग तो गर्मी लगने का चांस कम है और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है. बिकॉज ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती हैं तो ऑकवर्ड लगता है. तो आप देखो मेरा हाथ कितना ही दिख रहा है बस इसके अंदर इतना ही दिखेगा. एंड आई लाइक दिस इज वेल. इट सेज रेडी टू विन एंड इट हैज दिस रेस ट्रैक टाइप ऑफ अ थिंग. इट इज फॉर 299. सो ये वाला और वो पैराडाइज वाला 299 का. आई थिंक ये पिंक एंड ब्लू का है. हाँ पिंक एंड ब्लू का है. नेक्स्ट इज दिस जीन्स. ये भी पिंक एंड ब्लू की है. आई लाइक द डिजाइन. आई डोंट नो इसमें कलर थोड़ा ग्रीनिश लग रहा है बट ग्रीन नहीं है. दिस इज अ ब्लू and does not have green anywhere. ये देखिए. So this is how this looks and this is for 799 again and it's not green at all. पता नहीं मुझे green दिख रहा है या बाद में आप लोग को क्या इसका असली कलर दिखेगा कि नहीं. But this is a blue with a lightish faded blue. I don't know what to call it. Next is नेक्स्ट इज अगेन दिस ऑर्डर्स का. दिस इज सम ट्रक रेस मॉन्स्टर ट्रक बना हुआ है इसके ऊपर. अगेन दिस इज 399 एंड खत्म होने वाले हैं बस. समर का सामान था तो बहुत सारा लेना तो बनता ही था. एंड 3 to 4 ईयर्स है तो अगर होपफुली अगले साल खराब नहीं हुए तो यूज भी हो सकते हैं. आई रियली लाइक दिस क्यूट कार. बीटल कार बनी हुई है शायद इसके ऊपर. ये डायनासोर भी मुझे बहुत क्यूट लगा. आंखें देखो नॉटी सा डायनासोर है. एंड इस पे लिखा हुआ ट्रैवलिंग इज फन विच वी आर गोइंग टू ट्रैवल. लाइफ इज गुड एंजॉय द ड्राइव एंड वी आर ट्रैवलिंग बाय कार बट देन स्टिल. ये भी 399 का है. 399. नेक्स्ट इज रेड. तो बनता ही है जब ब्लैक है तो रेड होना ही होना है. रेड तो मैं अपने हस्बैंड के लिए भी मंगवाया था. So this says cute cheeky. 99% cute, 1% cheeky. This is the red one. Again, it's of the same brand. If you want to know kya brand ka naam hai. Oops, ulta likha gaya. This is the brand Audaz. I don't know kya bolte hain. To ye central mein easily available hota hai. 399. Inka jo t-shirt ka material quality hota hai bahut acha hai. एंड मैं पहले भी ला चुकी हूँ और मैं उसका वीडियो बना भी चुकी हूँ. और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बहुत चलते हैं उसके टी शर्ट. कभी फेड भी नहीं होता तो वो कुछ प्रॉब्लम कभी नहीं आई. कपड़े में कभी प्रॉब्लम नहीं आई. देन वाई बाय समथिंग विच इज़ फॉर 800-900 वो भी बढ़ते बच्चे के लिए जो कि यू नो आफ्टर फ्यू मंथ्स वो छोटा हो जाता है. बट मेरा बेबी क्योंकि थोड़ा स्किनी साइड पर है तो उसको
जीन्स वगैरह जल्दी से बड़ी नहीं होती हैं, वो उसके काम आ जाती हैं दोबारा. सो दिस इज द नेक्स्ट वन. ऑरेंज में थोड़ा सा क्रश हो गया है, बट ये भी बहुत क्यूट था. इस पर लिखा हुआ है बॉयज विल बी बॉयज. दिस वॉज 399. नीचे कोई बोल रहा है, हमारे यहाँ नीचे कोई बोलता है तो ऊपर तक आवाज आती है. दिस इज द नेक्स्ट वन. आई रियली लाइक दिस कलर एंड आई लाइक वॉट इज मेड ऑन इट. एंड कभी बीच पे जाएंगे तो काम आ जाएगा. सो आई रियली लाइक दिस वन इज वेल. मेरे को इसका प्रिंट पसंद है. इस पे क्या लिखा हुआ है, अलोहा समर. सो हवाई टाइप का कुछ वो है. ये भी पिंक एंड ब्लू का है. जितने भी ये कट स्लीव वाले होंगे ये सब पिंक एंड ब्लू के हैं. सो ये 299 का है. दैट्स ऑल फॉर द हॉल. And the material is good, the clothes are good, and I'm just going to pack it now after this. जब मेरा ये video बन जाएगा, क्योंकि मैंने packing की नहीं है, and I really need to pack. So अब मैं बस इसकी packing करने वाली हूँ. I am going to be vlogging, I guess. Delhi में तो मैं करूँगी करूँगी. यहाँ पे भी अगर मैं vlog बनाती हूँ तो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं कैसे pack कर रही हूँ. Any which ways, thank you so much for watching my video. If you liked the video, please like, share, subscribe, and love you all. Bye bye.